Hello friends, welcome to Profound Education. Next topic is inverse of a matrix of order 3x3. अगर आपको एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 दिया हुआ होगा तो आपने इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है ये हम देखेंगे. तो क्वेश्चन है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए. ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपको गिवन है एंड वेरीफाई दैट ए इन्वर्स डॉट ए इज इक्वल्स टू i3. इसमें ना आपने दो पार्ट करने हैं. सबसे पहले फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का इन्वर्स और सेकंड वेरीफाई करना है कि अगर आप ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ तो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. वी हैव गिवन पार्ट लिख लेंगे. अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करना है ये देखते हैं. सबसे पहले हमने असाइन करने होंगे. तो यहाँ प्लस माइनस प्लस. फर्स्ट रो के लिए साइन असाइन कर दीजिए. डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करते हैं. डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने इनको साइन असाइन कर देना है. तो ये प्लस माइनस प्लस. अब फर्स्ट रो को एक्सपैंड करेंगे. फर्स्ट रो को एक्सपैंड करने के लिए फर्स्ट रो के लिए पहला जो एलिमेंट है उसकी रो एंड उसके कॉलम साइड कीजिए. तो हमें मिलेगा एलिमेंट्स 3111. इसको भी आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लीजिएगा. ऐसे ही सेकंड रो के लिए साइन क्या लगाएंगे, माइनस. वन के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज कर रहे हैं तो सेकंड वाले एलिमेंट के लिए माइनस साइन यूज करेंगे. तो इसके लिए इसकी रो एंड कॉलम हाइट कीजिए. तो एलिमेंट्स मिले 2 1 माइनस वन एंड वन. ऐसे ही थर्ड एलिमेंट के लिए उसके रो एंड कॉलम हाइट कीजिए. हाइट करने के बाद हमें मिला 2 3 माइनस वन एंड वन. अब जो ये आपके पास डिटर्मिनेंट फॉर्म में एलिमेंट्स आए हैं ये एक 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है जो अभी हमने देखा था. तो इसके लिए कैसे हम करेंगे, साइन असाइन कर दीजिए. वही 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ. ऊपर 1 के माइनस है तो बीच में माइनस साइन यूज़ करेंगे. 1 × 1 लिख लेंगे. ऐसे ही सेकेंड डिटर्मिनेंट के लिए भी, थर्ड डिटर्मिनेंट के लिए भी करेंगे. अब इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए. 3 − 1 आएगा देन 2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो 2 + 1 प्लस 5 2 × 1 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3. तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आए. अब इन्हें सॉल्व कीजिए. तो 3 − 1 2 होगा, 2 + 1 3 होगा एंड 2 + 3 5 होगा. हमारे पास वैल्यूज आई 2 − 6 प्लस 25. इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें −4 मिलेगा. नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 6 ग्रेटर है 2 से. देन −4 + 25 होगा 21. तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आई, डिटर्मिनेंट एक ही 21. तो ये जो 21 वैल्यू आई है ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है. तो सिंस डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो देयर फोर ए इज इन्वर्टिबल. डिटर्मिनेंट आने के बाद आपने को फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं. तो ये जो मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर 3x3 है, 3x3 है इसका मतलब इसमें 9 एलिमेंट्स हैं. तो हमारे जो को फैक्टर्स होंगे वो भी 9 होंगे. तो इसके लिए सबसे पहला एलिमेंट हम फाइंड आउट करते हैं a11. a11 के लिए 1 और 1 हमारे पास पोजीशन है. तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइट कीजिए. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आए वो है 3 1 1 1 लिख लेंगे. देन ऐसे ही a12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो एलिमेंट्स आए 2 − 1 1 एंड 1. फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट लिखने के बाद आपने इनको साइन भी असाइन करने होंगे. तो हमारे पास जो पहला एलिमेंट है उसको पॉजिटिव साइन दीजिएगा डिटर्मिनेंट से पहले. सेकंड एलिमेंट को नेगेटिव साइन देंगे. ऐसे ही इसके अगले एलिमेंट को पॉजिटिव साइन देंगे. a13 के बाद एलिमेंट आएगा a21, तो उसको हम नेगेटिव साइन देंगे. तो ऐसे कंपैरेटिवली हम लोग चलते चलेंगे सबको प्लस और माइनस साइन असाइन करते हुए. तो इन तीनों डिटर्मिनेंट को अब सॉल्व करते हैं. डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए 3 को माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ. देन माइनस साइन लगाएंगे 1 × 1 1. तो हमारे पास वैल्यू आई 2. ऐसे ही सेकेंड डिटर्मिनेंट के लिए माइनस लगाएंगे पहले, फिर 2 × 1 ब्रैकेट में, देन माइनस 1 × −1. सॉल्व करने के बाद हमें मिली वैल्यू −3. ऐसे ही थर्ड एलिमेंट के लिए भी करेंगे. हमारे पास वैल्यू आई 5.
तो ऐसे हमारे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 एलिमेंट्स आ जाएंगे। उनके रो एंड कॉलम्स हाइड करने के बाद आपके पास कोफैक्टर्स आ जाएंगे। अब कोफैक्टर्स को आपने ट्रांसपोज करके एडजॉइंट बनाना होगा। तो एडजॉइंट ए फॉर्म क्या होगी, उन एलिमेंट्स को पहले लिख लीजिए और ऊपर ट्रांसपोज का साइन बना दीजिए, क्योंकि अभी हमने इनको ट्रांसपोज नहीं किया है। ट्रांसपोज करने के बाद ये एडजॉइंट ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो एलिमेंट्स को ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास एडजॉइंट ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसके रो को चेंज कर लेंगे कॉलम में। तो ऐसे ही हमने सारे ही रोज के लिए कर लिया है। अब एडजॉइंट ए आने के बाद आपने ए इनवर्ट्स का फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके बाद हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो हमारे पास वैल्यूज आई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 21, तो ये हो गया 1 बाय 21। और एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स आप पूरी लिख लेंगे। तो ये हमारी ए इनवर्स की वैल्यू आई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था वो था कि हमें वेरीफाई करना है ए इनवर्स डॉट ए को इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो वेरीफिकेशन करना है हमने अब ए इनवर्स डॉट ए का इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इसका मतलब होता है कि जो LHS पार्ट है उसे इक्वल करना होगा सॉल्व करके राइट हैंड साइड वाले पार्ट के साथ। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था इस क्वेश्चन का। तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने LHS ले लेना है। LHS क्या है, ए इनवर्स डॉट ए। अब जो आपके पास मैट्रिक्स है उसको लिखिए। ए इनवर्स के लिए हमारे पास ये पूरा है फॉर्म, देन डॉट ए, मतलब ए मैट्रिक्स आप लिख लेंगे। अब इसके बाद आपने ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो हम उनको वेरीफाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट्स को। तो इसके लिए मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास जो ए इनवर्स के लिए मैट्रिक्स है और ए की मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ले लेंगे। तो 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस -13 × -1। हमने देखा था कि फर्स्ट रो में जितने आगे के एलिमेंट्स होते जाएंगे हम उनको ऐड करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हमारा वो मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट होगा। फिर फर्स्ट रो के लिए तीनों कॉलम्स हमने कर लिया है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ऐसे ही फिर हम अगेन थर्ड रो के लिए करेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो हमारे पास एलिमेंट्स सॉल्व करने के बाद आए 2 + 6 + 13, या माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 4 + 9 - 13, देन 10 + 3 - 13, -3 + 12 - 9, -6 + 18 + 9, -15 + 6 + 9, 5 - 6, माइनस माइनस कैंसिल अगेन, देन प्लस का 1, 10 - 9 - 1। तो हमारे पास वैल्यू है 25 - 3 - 1। अब इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यूज आई 21 21 21 डायगनली, बाकी एलिमेंट ज़ीरो हो गए। ज़ीरो होने के बाद अब आपने ये जो एलिमेंट्स आपके पास आए हैं इस स्केलर को डिवाइड कर लीजिए सारे एलिमेंट्स के साथ। तो ज़ीरो के साथ करने का फ़ायदा नहीं है, आपको ज़ीरो ही मिलेगा। बाकी एलिमेंट के साथ जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया तो हमें मिला 1 1 1, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिली। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें जो मिली इसका मतलब है हमारा जो ए इनवर्स डॉट ए है LHS पार्ट वो पूरा पूरा इक्वल हो गया है RHS साइड के साथ। तो ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें। हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।